सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस बाइक। और आज आप देख रहे हैं सर्विस बजाज प्लेटिना की। तो चलिए आज हम हमको दिखाते हैं कि हम कैसे सर्विस करते हैं बजाज प्लेटिना की। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, वीडियो एंड तक देखना। तो ये हम कार्बोरेटर खोल लिया हमने और कार्बोरेटर क्लीन कर रहे हैं। अब क्लीन करेंगे, हवा के प्रेशर से क्लीन करना चाहिए कार्बोरेटर, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो इसको खोलते नहीं हैं। दो सर्विस छोड़ के खोलते हैं। जैसे आज सर्विस कर ली और आगे दो सर्विस की तब नहीं खोला, उसके बाद दो सर्विस होने के बाद तीसरी सर्विस होती है तो फिर कार्बोरेटर खोलना चाहिए। रोज़ रोज़ कार्बोरेटर नहीं खुलाना चाहिए फ्रेंड्स। क्या है कि इसमें जो बोल्ट नट बोल्ट वगैरह है, जेट है, फ्लोरिंग जेट है, मेन जेट है, उसकी चूड़ियाँ हेड जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए रोज़ रोज़ कार्बोरेटर नहीं खोलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कार्बोरेटर नहीं खोलना चाहिए। कार्बोरेटर खोल के सफाई क्लीनिंग अच्छी से की जाए तो गाड़ी माइलेज भी अच्छी देती है, लेकिन रोज़ रोज़ खोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब बीच में अगर आपने सर्विस करवाई है, दो दिन, चार दिन, दस दिन, महीने, दो महीने बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कार्बोरेटर में मिसिंग कर रही है या स्लो में बंद हो रही है एक्सीलेटर छोड़ते ही, तो आप कार्बोरेटर बीच में भी क्लीन करवा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हर सर्विस टू सर्विस कार्बोरेटर क्लीन करवाना ही होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है। कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम हो तो जब भी आप जिस भी मैकेनिक भाई के पास जाएं तो उसे बोल दें कि यार मुझे ये मेरी बाइक है जो ये प्रॉब्लम कर रही है, तो आप ज़रा कार्बोरेटर को खोल के क्लीन कर देना, देख लेना कार्बोरेटर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना, वो अपने हिसाब से चेक कर लेगा और देख लेगा। तो आज हमें जैसे ही कस्टमर आया तो इन्होंने बोला कि एक्सीलेटर छोड़ते ही बंद हो रही है गाड़ी। तो फिर मैंने स्टार्ट करके देखा पहले, और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि इसका कार्बोरेटर क्लीन होना चाहिए, क्योंकि दो सर्विस हो चुकी है इसकी। पहले उसमें कार्बोरेटर नहीं खोला था, एक सर्विस में नहीं खोला था पहले, उसके बाद में ये सेकंड सर्विस थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम लगी मुझे, तो मैंने खोल लिया कार्बोरेटर। स्लोरिंग जेट में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने कार्बोरेटर खोल लिया, स्लोरिंग जेट अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब वापस से टाइट कर रहे हैं स्लोरिंग जेट को, जिस हमने इसमें हवा वगैरह मार के एकदम क्लीन कर दिया अच्छे से। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो कार्बोरेटर में तो आप कभी भी खुलवा सकते हैं। अगर बाय द वे अगर प्रॉब्लम ना हो तो मत खुलवाया करो कार्बोरेटर, खुलवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा, बल्कि एक ही नुकसान ही होता है। जैसे 5 साल कार्बोरेटर चलता है उसके बजाय 3 साल ही चलेगा, 10 साल चलता है तो 8 साल चलेगा। तो कार्बोरेटर ख़राब नहीं होता है अगर नहीं खोलेंगे तो। टाइम टू टाइम बस इसकी क्लीनिंग की जाए अच्छे से, तो मैंने इसकी अच्छे से क्लीनिंग की है आपके सामने, आप देख सकते हैं मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ अच्छे से और इसकी ट्यूनिंग भी कर रहा हूँ। इसको लास्ट में स्टार्ट करके सारे चेक कर लेंगे, इसकी ट्यूनिंग भी मिला देंगे अच्छे से। ट्यूनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है कार्बोरेटर की, अगर ट्यूनिंग ना हो तो चलिए गाइस। और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्कूटी से रिलेटेड सर्विस देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और स्कूटी से रिलेटेड सर्विस देखिए। We'll be right back.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।